Hey guys, welcome back to the YouTube channel. I hope you guys doing absolutely fine. My name is Arun और हम अब हैं यहाँ न्यूजीलैंड में. न्यूजीलैंड से वीडियोस बनाते हैं. काफी वीडियोस को लोग पसंद भी कर रहे हैं. काफी अलग अलग जगहों से कमेंट आ रही है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग माई वीडियोस. ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए. अगर पहली बार इस वीडियो को या मेरे किसी भी वीडियो पे देखते हो तो भाई वीडियो बनाने में मेहनत लगती है. तो अगर चैनल पे आ रहे हो तो सब्सक्राइब करके जाओ. कुछ ना कुछ कमेंट करो वीडियो में ताकि रीच थोड़ी सी ज्यादा मिले और हमारा वीडियो और लोगों तक पहुंच पाए. तो बस इतना कर दो ना भाई, क्योंकि जॉब स्टडी यहाँ की लाइफ के बीच में से मैं टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ और आप लोग उसे पसंद भी करते हो. तो लाइक करना बनता है और सब्सक्राइब करना भी जरूर बनता है. आज ये जो वीडियो है ना वो स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स है जो न्यूजीलैंड में आ रहे हैं या आ चुके हैं. तो माई व्यूअर्स फ्रॉम इंडिया, अगर आपको न्यूजीलैंड की पान कार्ड और बैंकिंग सिस्टम में इंटरेस्ट है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए. अगर नहीं है तो आप इस वीडियो को बंद कर सकते हैं, मेरा दूसरा कोई वीडियो देख सकते हैं. लेकिन बंद करने से पहले एक लाइक करके जरूर जाइएगा और अगर आपको इंटरेस्ट है तो बाकी स्टूडेंट्स की तरह आप भी इस वीडियो को देख सकते हैं. तो न्यूजीलैंड में आने के बाद सबसे पहले आपको दो चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है. पहला होता है IRD नंबर, जो कि है यहाँ का पान कार्ड, क्योंकि उसके बिना कोई आपको जॉब पे नहीं रखेगा. और दूसरी चीज है अपना बैंक अकाउंट नंबर, कि यहाँ पे जो है वो कोई भी आप अगर पार्ट टाइम जॉब भी करेंगे तो उनकी सैलरी, उसकी सैलरी सीधी बैंक अकाउंट में आती है. तो ये दो चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब मेरे केस के सिनारियो में अगर हम बात करें तो IRD इजिली ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है, लेकिन ड्यू टू सम सिस्टम ग्लिच वो ऑनलाइन हमारी आइडेंटिटी मैच नहीं कर पा रहा था. और दो तीन स्टूडेंट से मेरी बात हुई, दे आर फेसिंग द सेम इश्यू कि ऑनलाइन IRD नंबर आप अप्लाई नहीं कर सकते. तो दूसरी चीज़ जो है कि आपको मैन्युअली IRD की ऑफिस में या पोस्ट ऑफिस में जाकर अपनी IRD की एप्लीकेशन देनी है. यहाँ तक तो ठीक है. मेन प्रॉब्लम शुरू तब होता है कि IRD एप्लीकेशन के दौरान एक प्रूफ ऑफ एड्रेस आपको शो करना पड़ता है. लाइक कि आप जिस भी जगह पे न्यूजीलैंड में रह रहे हो उस एड्रेस का प्रूफ क्या है कि आप वहां पे रहते हो. तो प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए. अब प्रूफ ऑफ एड्रेस आप ले सकते हैं बैंक से, यानी कि बैंक अकाउंट अगर आप ओपन करवाएंगे तो उसमें आपका नाम और नीचे आपका एड्रेस आएगा कस्टमर डिटेल्स के पेज पे. ओके फाइन. जब मैं जाता हूँ बैंक में, सबसे बुरा एक्सपीरियंस मुझे न्यूजीलैंड के आने के बाद हुआ बैंकिंग में. ये किसी को डिफेम करने की बात नहीं है, लेकिन ANZ से, और काफी स्टूडेंट्स ANZ की जो अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस है उससे काफी फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं. मैं 1 तारीख को आया हूँ. मैंने 2 या 3 तारीख को अप्लाई कर दिया था ऑनलाइन अपने अकाउंट ओपन के लिए ANZ में, लेकिन अभी तक मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिली है, ना ही बैंक के थ्रू मुझे कॉन्टेक्ट किया गया है फॉर माई अपॉइंटमेंट. तो 3-3, 4-4 वीक तक उनके पास अपॉइंटमेंट नहीं है. काफ़ी सारे डॉक्यूमेंटेशंस वो मांगते हैं जो आई थिंक इरिलेवेंट है अगर आप न्यू स्टूडेंट है कंट्री में. तो वो सिनारियो भूल जाइए. अगर आप भी ANZ के चक्कर में पड़े हैं तो भूल जाइए. 1 महीने तक कुछ होने वाला है ना, कहीं से आपको प्रूफ ऑफ रेसिडेंस मिलेगा, और वो नहीं मिलेगा तो आपकी IRD की प्रोसेस नहीं हो पाएगी. तो ये एक राउंड एंड राउंड सिचुएशन है कि IRD के लिए चाहिए बैंक अकाउंट एज एड्रेस प्रूफ, बैंक अकाउंट के लिए चाहिए IRD नंबर. तो ये दोनों सिचुएशन में मैं 2 दिन धक्के खाने के बाद फाइनली मुझे एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन मिला जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आते ही साथ आपका टाइम वेस्ट ना हो और इजीली सारी प्रोसेस विद इन अ वीक भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, लेस देन अ वीक में आपकी सारी प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगी. तो सबसे पहले मैंने अपना बैंक अकाउंट ओपन किया है BNZ में, बैंक ऑफ न्यूजीलैंड. देखो ये मेरा बैंक ऑफ न्यूजीलैंड का कार्ड भी मेरा आ चुका है, वीजा कार्ड है आ चुका है. अब बात करते हैं कि कितनी सिंपल प्रोसीजर है. आपको IRD नंबर भी चाहिए होगा, आपको बैंक अकाउंट भी चाहिए होगा. तो जस्ट आपको इतना ही करना है कि जब आप न्यूजीलैंड में आए, जिन किसी के साथ भी आप रहते हो उनको साथ में लेके जाइए BNZ में. आप एक अपॉइंटमेंट लीजिए अकाउंट ओपनिंग के लिए, उनको बोलिए कि मुझे अकाउंट ओपन करना है, उसके बाद एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस मुझे वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना है IRD ऑफिस में. तो वो जिनके साथ आप रहते हैं उनके लिए एक लेटर प्रिंट करेंगे कि ये XYZ जो भी है वो आपके साथ रहते हैं, आपके घर में रहते हैं, तो आप इस फॉर्म पे साइन कीजिए. तो जैसे ही वो उस फॉर्म पे साइन करेंगे,
विदिन आवर वो आपका अकाउंट रेडी करके देंगे, आपकी मोबाइल एप्लीकेशन सेट करके देंगे और आपको बोलेंगे कि मैन्युअली $50 या $100 आपके अकाउंट में डिपॉजिट कीजिए ताकि हम उस स्टेटमेंट को प्रिंट कर पाए और एज अ कस्टमर डिटेल ऐसा कोई फॉर्म आपको मिल जाए। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा कस्टमर नेम है, यहाँ पे मेरा एड्रेस है और या फोन नंबर सारी चीजें है इसमें। तो ये है कस्टमर डिटेल वाला पेज। इस कस्टमर डिटेल वाले पेज में नेम और एड्रेस है तो इसको आप बना सकते हैं अपना एड्रेस प्रूफ। तो पॉइंट नंबर 1 सॉल्व हो गया, बैंक अकाउंट ओपन हो गया, एड्रेस प्रूफ मिल गया। अब सीधा जाइए IRDAI की ऑफिस में, आपका वीजा, आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस, आपका वीजा कॉपी, सॉरी वीजा तो आ गया, आपका पासपोर्ट की कॉपी, इन सारी चीजों की जेरोक्स का एक सेट बना के जाइएगा क्योंकि वो लोग जेरोक्स अपने पास रख लेते हैं, ओरिजिनल्स आपको वापस दे देते हैं। तो ओरिजिनल्स और जेरोक्स दोनों चीज लेके जाइएगा। जैसे आप IRDAI में ये सारी चीजें देंगे तो 2 या 3 डेज मैक्सिमम, मेरा 1.5 दिन में आ गया था, मान के चलिए कि 2 से 3 दिन में आपको आपका IRDAI नंबर भी मिल जाएगा। साथ में ये BSZ ने डेबिट कार्ड दिया है और ये एक नेट गार्ड दिया है कि जो आप यूज कर सकते हैं वाइल यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग। तो काफी इजी प्रोसेस है भाई, मैं NZ के भरोसे रहा था, अभी तक कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। तो आई थिंक आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 25 जनवरी है तो 25 दिन हो गया है, अभी तक अकाउंट नहीं खुला है, अपॉइंटमेंट नहीं मिली है। आप 2-3 स्टूडेंट से मेरी बात हुई थी, ये भी सेम चीज़ से गुजर रहे हैं। BNZ में जाइए, मेरा रेफरेंस देना अगर आप मनुकाउ ब्रांच में जा रहे हो तो, क्योंकि ये सारी प्रोसीजर, ये सारा जो राउंड एंड राउंड सिचुएशन है मैं उनको समझाया था, उन्होंने इंस्टेंटली मेरा काम कर दिया था। आपका भी हो जाएगा, अकाउंट खुल जाएगा, IRDAI नंबर भी आ जाएगा। आई होप ये वीडियो आपका अच्छा लगा होगा, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है भाई। तो नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, कोई भी क्वेश्चन है आप पूछो, मैं जॉब के बीच में भी टाइम निकाल के आपके कमेंट्स के रिप्लाई करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप ये अच्छा लगा होगा। फिर किसी दिन मिलेंगे ऐसे वीडियो में, टिल देन बाय, सी यू, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, माय नेम इज अरुण।